हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार इज दिस साइड। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप अपने विजुअल्स में सॉर्टिंग कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हो, जैसा आप सीक्वेंस चाहते हो, उस तरीके से आप सीक्वेंस अपने विजुअल्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। समझने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने दो बार चार्ट बनाया हुआ है। आई थिंक ये हमारा नॉर्मली जो विजुअल है वो स्टैक कॉलम चार्ट है। ओके, तो स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर जैसे आप देख सकते हो, मैंने जब कोई भी सॉर्टिंग नहीं किया था तो इसका ऑर्डर आ रहा है बैग, बॉक्स, नोटबुक, पेंसिल एंड पेन। बट मुझे कहा गया है कि मुझे पर्टिकुलर ऑर्डर ही लेकर आना है। जैसे कि मुझे पेंसिल पहले लेकर आना है और पेन पहले लेकर आना है, फिर पेंसिल, फिर नोटबुक, बैग, इस ऑर्डर में लेकर आना है। तो जब भी आप विजुअल क्रिएट करो तो वो रैंडमली कहीं ना कहीं हो जा रहा है। और जब भी इनका डेटा चेंज होता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है कि जो बार्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, डायनेमिक होते हैं। तो हमें फिक्स करना है कि इसी ऑर्डर में रहना चाहिए, पेंसिल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, बैग एंड बॉक्स, इस ऑर्डर में करना है। इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम अपने डेटा को समझते हैं। तो ये मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, मैंने क्रिएट किया था। एंड ये मेरा लुकअप टेबल है। इसकी मतलब ये मैंने सीक्वेंस बनाया हुआ है कि इस सीक्वेंस में रहना चाहिए। और ये मेरा ऑर्डर टेबल है जिसका मैं विजुअल क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब मुझे इसको ऑर्डर के अंदर करना है। तो देखिए, जो मुझे सबसे सिंपल तरीका लगता है, मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे ऑर्डर चाहिए, जैसे मुझे ये प्रोडक्ट वाला ऑर्डर चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसको क्लिक करके, राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा इस पर्टिकुलर कॉलम को। और फिर होम के अंदर जाता हूँ, एंटर डेटा के अंदर मैं एक कॉलम क्रिएट किया इस अपने पर्टिकुलर सीक्वेंस का, जिस सीक्वेंस में मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए। और यहाँ पर मैं एक सीरियल नंबर नेम से एक कॉलम और क्रिएट करूँगा। इसके अंदर मैं अपना सीरियल नंबर लिख दूँगा, 1 से लेकर अपना जो भी नंबर देना चाहता हूँ। और टेबल का नाम मैं रख देता हूँ सॉर्ट द प्रोडक्ट नेम। सिंपल, आप कोई और भी नेम दे सकते हो। तो मैंने सिंपली एक टेबल क्रिएट किया जिसमें जिस चीज़ को मुझे सॉर्ट करना है उस कॉलम को मैंने उठा के वहाँ डाल दिया, और सीरियल नंबर बनाकर मैंने एक नया कॉलम क्रिएट किया। तो जो मेरा टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब हम ये क्रिएट कर लेते हैं, फिर आपको जाना है मॉडल व्यू के अंदर। मॉडल व्यू के अंदर आप देखोगे जो मेरा लुकअप, मतलब ये जो मेरा टेबल है, आप देख सकते हो मेरा जो लुकअप टेबल है वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हो वो टेबल कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे मुझे एक चीज़ चेंज करना होगा। यहाँ पर मुझे ऑर्डर टेबल में ऑर्डर को मैच करना है ना, तो कॉलम का नेम ऑर्डर रखना है। तो मैं वापस से जाता हूँ, प्रोडक्ट का नेम चेंज करके ऑर्डर कर देता हूँ। सिंपल, ये मैंने ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे इस टेबल के ऑर्डर, इसको ऑर्डर करना है। तो कॉलम नेम सेम टू सेम रहना चाहिए आपके सॉर्ट टेबल के अंदर। अब मैं वापस से डेटा मॉडल के अंदर जाता हूँ, तो आप देखोगे ये कनेक्टिविटी बनी हुई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। तो अगर कोई कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक बनी है और आप नहीं चाहते तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। अब मुझे चाहिए कि ये जो ऑर्डर टेबल है इसका ऑर्डर इस वाले ऑर्डर से कनेक्ट हो जाए, सॉर्ट वाले से। तो मैं ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूंगा। मैं इसको वापस से दिखाता हूँ। यहाँ पे किसी भी जगह पे राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, रिलेशनशिप डिलीट कर सकते हैं। आपको इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे छोड़ देना है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। और जब आप यहाँ पे जाओगे ना माउस लेकर, तो ये शो करेगा कि ऑर्डर ऑर्डर से कनेक्टेड है। अब ये दोनों टेबल, मतलब ये वाला ऑर्डर ये सॉर्टिंग वाले से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें जाना है अपने टेबल व्यू के अंदर और सॉर्टिंग टेबल के अंदर। ये मेरा सॉर्ट द प्रोडक्ट नेम, मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको कॉलम टूल टैब के अंदर, सॉर्ट बाय कॉलम। तो मुझे सॉर्ट करना है ऑर्डर टेबल को, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। ऑर्डर सॉर्ट करना है मुझे सीरियल नंबर के बेसिस पर, तो मैं सीरियल नंबर को क्लिक कर दूंगा। सीरियल नंबर के बेसिस पे मुझे सॉर्ट करना है। बस अब क्या करना है, अब हम अपने विजुअल्स के अंदर जाते हैं, रिपोर्ट व्यू के अंदर। इस वाले टेबल के अंदर मैं जो डेटा उठाऊंगा, सबसे पहले मैं ऑर्डर उठाऊंगा। ऑर्डर इस बार मुझे यूज़ करना है अपना जो सॉर्ट द प्रोडक्ट नेम टेबल बनाया था वहाँ से मुझे ऑर्डर उठाना है, ना कि मुझे ऑर्डर टेबल से। और जो मुझे प्राइस लेना है वो प्राइस हम अपना यहीं से ले लेंगे, मतलब प्रोडक्ट टेबल से। तो ये मैंने कर लिया। अब आप देख सकते हो डिफरेंस, इसमें जो था मेरा बैग, बॉक्स, नोटबुक आ रहा था, इसमें पेन, पेंसिल, नोटबुक मेरा इस सीक्वेंस में आ रहा है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो मैंने ऑर्डर यूज़ किया है वो मैंने ऑर्डर टेबल से यूज़ किया है। यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर यूज़ किया है वो मैंने सॉर्ट करने वाला जो टेबल था वहाँ से ऑर्डर को यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना विजुअल्स के अंदर भी सॉर्टिंग कर सकते हो। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।